प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की। अभी रिसेंटली नया नया आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके और वो सत्ता में बैठ गए। वो सिर्फ सत्ता में बैठना जानते हैं, जनता की तकलीफें और परेशानियों का उनका कोई लेना देना नहीं किसी को। राजस्थान की राजनीति में एक शब्द चल रहा है निकम्मा, इस तरीके से देखते हैं जरा, जिसको जिसकी कार्यशैली जिसको नहीं समझ में आएगी उनको इन शब्दों को सुनना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये शब्द ना सुने तो गजेंद्र सिंह जी ने भरी मीटिंग में हमारे महेश जोशी को जलदाय मंत्री जी को ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या आप दे दीजिए, तो उन बातों का क्या हुआ? वो तो क्षत्रिय है, राजपूत है गजेंद्र सिंह शेखावत, और वीरों की धरती है राजस्थान, और उसमें यह प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजस्थान की कहावत है बहुत बड़ी। और गजेंद्र सिंह जी जो खुद अपने वचनों से जा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे क्षत्रिय नेता पहली बार देखने को मिले जो कह के अपनी बात से मुकर रहे हैं। उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए इस पद से, और अपनी जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये बात बोली थी कि अगर ऐसा नहीं बोला तो मैं इस्तीफा दूंगा या आप दीजिए, तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की जनता ने हमें कार्य करने का मौका मिला, कांग्रेस पे विश्वास किया, और आने वाले समय में भी राजस्थान की जनता कांग्रेस पे विश्वास करेगी।